जमुई जिले के पैक्स अध्यक्षों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों द्वारा जिला सहकारिता कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस धरना कार्यक्रम में जमुई जिले के विभिन्न प्रखंडों के नंदकिशोर सिंह, मिथिलेश कुमार, देवेंद्र कुमार, जीवन पांडे, प्रमोद सिंह, आनंद यादव, इसराइल अंसारी सहित दर्जनों पैक्स अध्यक्ष शामिल हुए। पैक्स अध्यक्षों ने एक स्वर में बताया कि सरकार द्वारा जमुई जिले में धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के अनुपात में मात्र 10-20% धान अधिप्राप्ति की खरीदारी हो सकी है। धान अधिप्राप्ति किए गए राशि का मात्र अभी तक 40% ही आवंटन हो पाया है। हमारी मुख्य मांग है कि पैक्स अध्यक्षों को कैश क्रेडिट की राशि धान अधिप्राप्ति के लिए 20% से बढ़ाकर 60% किया जाए। बिहार राज्य खाद्य निगम से चावल का भुगतान शीघ्र कराया जाए। जिले का लक्ष्य लगभग 50,000 MT धान का लक्ष्य दिया गया है और शुरू में तो ये SFC ने लेट से CMR लेने का काम शुरू किया। जितने पैक्स साथियों ने CMR की आपूर्ति कर दी है उनका भी अभी तक से भुगतान नहीं हुआ है। दूसरा कि लगभग बिहार के सभी जिलों में 40% CC दिया गया है पैक्सों को, ताकि वो किसानों का सही समय पे भुगतान कर सके। और अभी यहाँ पे सभी पैक्स साथियों के माध्यम से जानकारी मिली मुझे कि 20% ही इन लोगों को दिया गया है और SFC भी पैसा नहीं दे रहा है, जिस वजह से ये लोग अब किसान का जो खरीद नहीं कर पा रहे हैं और अपने लक्ष्य का प्राप्ति ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जिला सहकारिता पदाधिकारी से भी लगातार सारे पैक्स साथी लगातार संपर्क में हैं और जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय से किसी भी प्रकार की कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि 31 मार्च ही लास्ट डेट है अधिप्राप्ति कार्य का। अगर यही रवैया रहा तो मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि जिला 25-30% से ज्यादा अधिप्राप्ति नहीं कर पाए। कारण है कि धान अधिप्राप्ति जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है यह प्रारंभ हो चुकी है नवंबर से ही, लेकिन आज तक हम लोग जो भी धान खरीदे हैं और जो SFC को चावल दे भी चुके हैं उसका भुगतान 1 रुपया हम लोगों का नहीं हो पाया है, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोगों को जिला टास्क फोर्स से जो अनुमोदित है कैश क्रेडिट की राशि उसमें से मात्र 20% ही विमुक्त की गई है, जबकि हमारे निकटवर्ती जिलों में 40% राशि दे दी गई है। तो 40% राशि की मांग हम लोग कर रहे हैं। SFC के द्वारा चावल जो हमारा लिया जाता है उसके लिए मात्र हमारे जिले में एक ही अधिप्राप्ति केंद्र खोला गया है, दूसरे जिलों में 2-3 अधिप्राप्ति केंद्र खुले हुए हैं, जिससे कि गति बहुत तीव्र है चावल लेने का। और हमारे जिले में बहुत ही धीमा चल रहा है, मात्र प्रतिदिन 4 या 5 ट्रक या बहुत ज्यादा तो 8 ट्रक ही चावल SFC ले पा रही है। इसके वजह से हम लोगों की गति उसमें भी बहुत धीमी है। हम लोग मुख्य रूप से ये भी मांग कर रहे हैं कि बहुत सारे पैक्सों का जो लक्ष्य निर्धारण किया गया है अधिप्राप्ति का, उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। बहुत सारे जो पैक्स पिछले गत वर्ष 10,000-12,000 क्विंटल अधिप्राप्ति किए थे उनका लक्ष्य इस बार मात्र 400 और 300 का दिया गया है। तो 400-300 का लक्ष्य दिया गया है, इसको भी बढ़ाना है। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग लगातार अपने जिला पदाधिकारी से बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक इसमें प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही थी जिला सहकारिता पदाधिकारी से। तो जिला सहकारिता पदाधिकारी के ढुलमुल रवैये के कारण हम लोगों को आंदोलन पर बाध्य होना पड़ा और इसी के लिए सांकेतिक रूप से आज हम लोग एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। और यदि हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर चले। कहाँ कहाँ के पैक्स वाले शामिल हैं इसमें? पूरे जिले के सभी 10 प्रखंड के।